कोतमा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी ने बिना शादी के बालिका को कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म दिया है। परिजनों ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी अजय बैगा ने जानकारी देते हुए बताया है कि 15 वर्षीय किशोरी ने एक बालिका को जन्म दिया है जो पूरी तरह स्वस्थ है। बालिका के पिता ने शिकायत में बताया कि वह घटना 3 मार्च से 20 मार्च 2022 के मध्य की है। किशोरी स्कूल पढ़ने जाती थी, इसी दौरान ग्राम बुढ़ानपुर का आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसके झोले में मोबाइल भी डाल दिया था। मोबाइल को परिजनों ने देख लिया था, उसके बाद किशोरी को डांटा फटकार भी लगाई थी। इसके बाद किशोरी बकरी चराने गांव में गई थी तो इसी दौरान फिर से आरोपी ने 2 बार बलात्कार किया। पेट में दर्द होने पर किशोरी का इलाज कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। किशोरी ने यहां पर बालिका को जन्म दिया। किशोरी के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। किशोरी को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा है। से एक लिखित तहरीर थाना कोतमा में प्राप्त होती है कि एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो कि दो बच्चे को जन्म दी है, उसकी सूचना पर हम मौके पर तत्काल गए और हमारे साथ में महिला उपनिरीक्षक के साथ गए, उनके परिजनों से एवं पीड़िता से पूछे, जिन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है जो कि विगत एक वर्ष पूर्व से उसे उसके साथ गलत काम किया है और जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी और ला करके हॉस्पिटल में इलाज कराया जिससे बच्चा पैदा हुआ है और बच्चे को और उसकी माँ को इलाज के लिए अनूपपुर में रेफर कर दिया गया।